सब्सक्राइब करें रूहानी दुनिया पर लाइन को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल रूहानी दुनिया फॉर नाइन की जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जो है दुश्मन को सजा देने और अपने मर्ज़ और बीमारियों को दुश्मन पर डालने का बहुत ही मुजरब और आसान जो है ना अमल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको जायज़ जगह ज़रूरत बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, ये किसी दुश्मन और ज़ालमों को जो है सज़ा देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही तेज़ तरीन ये जो है ना अमल है। इसके जो है ना तासीर और इसके असर से दुश्मन अपनी अंजाम को पहुंचते हैं। आपके जिस्म में कोई भी बीमारियां हो, कितनी बीमारियां क्यों ना हो, वो आपके दुश्मन में मुंतकिल हो जाएंगी इस अमल की जो है ना तासीर और असर से। दोस्तों, इस वजह से जो है ना वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाएगा और उसका इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको जायज़ जगह इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये मैं आपको तरीकाकार इसका बताता हूँ। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी दुनिया फॉर नाइन में न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ आने वाले बेल आइकन को भी जो है ना ज़रूर दबा दें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचा करेगी। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं अमल की जानिब। दोस्तों, ये अमल कुछ यूँ है कि इसको आपने मंगल के दिन जो है ना दोपहर को या सूरज जिस टाइम तुलू हो रहा हो उस टाइम आपने इस अमल को आपने करना है। तो दोस्तों, ये अमल कुछ यूँ है कि आपने जो है ना काली स्याही ले लेनी है, बाल पेंट यूज़ नहीं करना और जो है ब्लैक इंक वाला जो है ना पिन वगैरह आपने ले लेना है और आपने एक जो है ना रोटी तैयार करवानी है। रोटी तैयार करवाने के बाद आपने उस पर जो है ना एक तरफ आपने ये जो हरूफ मैंने जो है ना अबजद के ये लिखे हुए हैं, ये आपने 9 हरूफ जो है ना रोटी के एक तरफ लिख लेने। उसके बाद आपने जो है ना दूसरी तरफ जो है इस नक्श को आपने तैयार कर लेना है। दोस्तों, इस जो है ना नक्श की कोई चाल नहीं है, इसकी कोई चाल नहीं है और जो है इसको आपने इसी तरीके से ही आपने जैसे ये लिखा हुआ है मैंने इसको आपने जो है इसी तरीके से ही इसको आपने लिख लेना है। तो ये एक रोटी पर आप तैयार करवानी है और आप जो है ना आप बजाय पेन और मार्कर यूज़ करने के आप जो हैं तो जो है आप जो है कलम एक जो है ना बनवा लें लकड़ी की जो है ना, अगर वो लीमू के दरख्त की लकड़ी हो या कीकर के दरख्त की हो तो वो बेहतर रहेगा, उसकी कलम बना लें। या उसके अलावा आप सरकंडे की भी जो है ना कलम बना सकते हैं, या उसके अलावा कोई भी आप जो लकड़ी ले के उसकी आप कलम बना सकते हैं। तो अगर वो आप उससे आपने जो है ना काली स्याही से आपने उसकी जो है ना कलम की मदद से आपने ये जो है ना हरूफ और आपने ये नक्श ऐसे ही तैयार करने, ठीक है। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने फिर जो ये नीचे फलां बिन फलां लिखे हैं, फलां बिन फलां की जगह आपने अपना नाम लिखना है। अगर लेडीज़ हैं तो या बिंत लिखना है और अगर मर्द हैं तो या बिन लिखना है, ठीक है। फलां की जगह आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद बिन के बाद जो है ना फलां की जगह अपनी वालदा का नाम लिखना है, या लिखने के बाद फिर या आगे आपने ऐसे लिखना है का मर्ज फलां बिन फलां पर मुसल्लत हो। यहाँ आपने दुश्मन का नाम लिखना है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, तो यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है। और यहाँ औरत है तो बिंत लिखना है और अगर मर्द है तो बिन नहीं लिखना है, और यहाँ फिर उस मर्द की वालदा का नाम लिखना है। दोस्तों, नाम और वालदा का नाम सही मालूम हो ताकि सही असर और सही इसका रिजल्ट हो। तो दोस्तों, एक रोटी पर आपने जो है ना ये इस तरीके से आपने नक्श बना लेना है और उसके बाद आपने जो है
कोई कोयले वगैरह हों तो कोयले जो है आपने सुलगा कर अंगारे बना कर तो उसमें आपने लाल मिर्च थोड़ी सी छिड़क देनी है। लाल मिर्च थोड़ी छिड़क के तो उसके धुआं और उसका बखूर यानी आपने इस नक्श वाली रोटी को आपने देना है, इस रोटी को देना है। उसके बाद फिर जब आप ये उसको धुनी दे देंगे रोटी को, उसके बाद आपने सूरत ये सूरत लिखे रहे आपने ये पढ़नी है। पहले आपने ये ख्याल रहे कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ और उसके अलावा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और दुरूद शरीफ आपने नहीं पढ़ना है इस अमल में। तो दोस्तों ये जो सूरतदार रात है इसको जो है ना आपने दुश्मन पर अपनी तमाम मरज डालने की नीयत से पढ़ना है। तो ये जो आपने सूरत जो है ना 3 बार पढ़नी है, 3 बार पढ़ने के बाद दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी तमाम बीमारियां जो हैं वो मेरे फलां बिन फलां दुश्मन पर जो है ना मुसल्लत कर दे, उस पर डाल दें। तो दोस्तों जब ये आप अमल कर लेंगे तो ये आपका अमल पूरा हो चुका है। अब आप जो है ना बाहर कहीं आपने जाना है, बाहर कहीं जाएं और वहाँ आपने काला कुत्ता जो है ना देखना है। ये काला कुत्ता आपने जब आपको नज़र आ जाए तो जो ये सारी रोटी है, सारी रोटी के आपने 5 बराबर बराबर हिस्से कर लेने इसको, यानी जो है ना बराबर बराबर हिस्से करके, चाहे इसमें जो है ना ये हरूफ हों या ये नक्श हों, इसके भी अगर टुकड़े होते हों तो आप इनके टुकड़े होने दें, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके आपने बराबर बराबर जो हिस्से हैं इस एक रोटी के आपने 5 अदद जो है ना बराबर बराबर हिस्से आपने कर लेने हैं। इसके बाद आपने एक कुत्ता जो है ना काला कुत्ता, बिल्कुल काला कुत्ता, उसको आपने जो है ना एक रोटी का ये टुकड़ा डालना है। दोस्तों ये ख्याल रहे कि जब आप ये सूरत पढ़ लेंगे तो आपने इस रोटी पर दम नहीं करना है, सिर्फ फूंक नहीं मारनी है, सिर्फ आपने जो है ना ये नीयत से पढ़ना है कि मेरे तमाम मरज दुश्मन पर मुसल्लत हो जाएं। इस नीयत से आपने ये जो है ना 3 बार सूरत पढ़नी है, पढ़ के फिर इस रोटी के टुकड़े 5 अदद आपने इस रोटी के टुकड़े करने हैं। उसके बाद आपने जो एक काले कुत्ते को जब आप एक टुकड़ा डालेंगे तो उस टाइम आपने टुकड़ा उसको डालते वक्त भी यही अल्फाज हल्के से इतनी आवाज़ में अदा करने के ये अल्फाज सिर्फ आपके कानों में ही सिर्फ आप जो है ना अपनी आवाज़ सुन सकें। यही अल्फाज आपने दोहराने के मेरे तमाम जो मरज़ हैं बीमारियां हैं वो मेरे फलां बिन फलां दुश्मन पर मुसल्लत हो जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से ये 5 टुकड़े 5 काले कुत्तों को खिला देने इंशाल्लाह ताला। 5 काले कुत्तों को खिलाने के बाद इसका रिज़ल्ट शुरू हो जाएगा और 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों में आपकी तमाम बीमारियां उसमें मुंतकिल हो जाएंगी। तो दोस्तों इसको जायज़ जगह इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं, नाजायज़ ना हक ना करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों को शेयर करें ताकि और दोस्त अहबाब भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।